हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक टिपिकल रिव्यू वीडियो नहीं करने वाले, लेकिन एक ड्रैग रेस करने वाले हैं बिटवीन द वोक्सवैगन विंटो 1.2 TSI एंड स्कोडा स्लाविया 1 लीटर TSI। तो इस गाड़ी की आउटपुट है 115 BHP और इस गाड़ी की आउटपुट है स्टॉक 105 है, लेकिन अभी ECU ट्यून रीमैप हुआ पड़ा है, इसका ECU ट्यून हुआ पड़ा है, तो ये अभी 125 BHP निकाल रही है। तो BHP के मामले में सिर्फ 10 BHP का फ़र्क है, लेकिन पावर टू वेट रेशो में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ये 40 किलो हल्की है इस गाड़ी से, और टॉर्क आउटपुट इसकी 200 है, इसकी 178 है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन एक मैनुअल है ये और ये एक DSG है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं हम रेस से। ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो रही है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब इसको इमिटेट करें या फिर कोई भी इसको कॉपी करने की कोशिश करें। तो इग्निशन स्टार्ट कर दिया, AC ऑफ कर देते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया, कैमरा सेट हो चुका है, थर्ड ऑन पे, और ब्लोअर भी ऑफ कर देता हूँ, स्पोर्ट में डाल दी गाड़ी, 3, 2, 1। इसका स्टार्टिंग में DSG लैग हुआ है थोड़ा सा, और फर्स्ट रेस जैसा कि आप देख सकते हो स्कोडा स्लाविया जीत चुकी है। बस थोड़ी सी हार्ड ब्रेकिंग, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक बार यहां से हम यूटर्न ले लेंगे और फिर सेकंड राउंड के लिए चलेंगे। तो हम सेकंड राउंड के लिए आ गए हैं, तो थर्ड ऑन पे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। स्लाविया में थोड़ा सा लॉन्च फंबल हो गया, कोई नहीं, दोबारा कर लेंगे। ठीक है, रेडी, 3, 2, 3, 2, 1। और जैसा कि आप देख सकते हो वेंटो ने लीड मेंटेन करी हुई है, और बस ब्रेक कर लिया अब हमने। तो सेकंड राउंड की विनर थी यहाँ पे वोक्सवैगन वेंटो। फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा लॉन्च खराब हुआ था वेंटो का, इस वजह से, क्योंकि ये DSG गेयरबॉक्स है तो फिर RPM होल्ड नहीं करती है, इस वजह से वेंटो का थोड़ा सा पावर डिमिंग हो गई थी स्टार्टिंग में, और वो स्टार्टिंग की लीड थी जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाती है, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों की पावर आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है। तो एक बार अब हम थर्ड राउंड के लिए चलते हैं। तो अब हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं थर्ड राउंड के लिए, और थर्ड राउंड डिसाइडिंग होगा कि कौन सी गाड़ी जीतती है, वेंटो या फिर स्कोडा स्लाविया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेस, 3, 2, 1। लीड वेंटो के पास है स्टार्टिंग से, और जैसा कि आप देख सकते हो स्कोडा स्लाविया पीछे रह गई है, और ये बस 120 पे स्कोडा स्लाविया आगे निकल गई। तो ये 120 के आसपास होता है जो स्कोडा स्लाविया पुल बैक करना स्टार्ट करती है और इक्वल आके हल्का सा आगे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ये काफी ज्यादा क्लोज विन थी। इसमें कोई एक सिंगल विनर नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों TSI पावर्ड है, दोनों जर्मन इंजीनियर्ड है, लेकिन हाँ ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, काफ़ी क्लोज, मतलब कि कोई भी विनर हो सकता था इसके अंदर। इसके अंदर ड्राइविंग की भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, कि वो गाड़ी मैनुअल है, ये गाड़ी DSG है, और DSG इनिशियली टर्बो लैग देती है, लेकिन गाड़ी ने पुल अच्छा किया, लेकिन स्कोडा स्लाविया की गियरिंग बहुत टॉल है, सेकेंड गियर में गाड़ी 96 km/h पर जाती है, और ये गाड़ी जाती है थर्ड गियर में। तो अगर ये दोनों फैक्टर्स को हम कंसिडर करें तो मेरे हिसाब से तो ये टाई ही हुआ, क्योंकि गैप भी कोई इतना ज़्यादा नहीं था। फर्स्ट राउंड में स्लाविया जीत गई थी, लेकिन सेकेंड और थर्ड राउंड में वेंटो जीत गई। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि गाड़ी की हाइट थोड़ी कम है, थोड़ी लो स्लंग है, और एरोडायनामिक्स थोड़े बेटर है गाड़ी के, क्योंकि हाइट कम है, और स्कोडा स्लाविया जैसा कि सब जानते हैं MQB A0 प्लेटफॉर्म पे है, और ये एक SUV मिड साइज SUV का प्लेटफॉर्म है, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से उसको एक हल्का सा कॉन रहा होगा उस तरफ। लेकिन गाड़ियाँ दोनों बहुत तेज़ थी, दोनों ने 0 to 100 10 सेकेंड के नीचे करती हैं, काफ़ी तेज़ है गाड़ियाँ।
इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक द वीडियो, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ और एक्सपेक्टेशन है कि स्लाविया का किसी और के साथ कंपैरिजन करें या फिर स्लाविया की किसी और के साथ ट्रैक करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।